गाइज अक्सर आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है, ये सच नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन ने तो सिर्फ इतना बताया था कि बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया जा सकता है। एक्चुअल में बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वान ने एडिसन से पहले ही कर दिया था। तो अपने फैक्ट को दुरुस्त कीजिए और ऐसी ही फैक्चुअल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस। आज तक आप लोगों ने छोटे या फिर इतने बड़े साइज के ही चूहे देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस प्रजाति के चूहों के बारे में आपको बताने वाला हूं, उनके साइज को सुन के और उन्हें देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हां गाइस, साउथ अमेरिका के ब्राजील में चूहों की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कैपीबेरा, और इस प्रजाति के चूहे लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबे होते हैं। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 1 से 1.5 मीटर लंबे, और उनका वजन लगभग 60 से 65 केजी होता है, एक सामान्य इंसान के ऑलमोस्ट बराबर। अगर आपके सामने वो चूहा आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस अगर आप मेरी तरह कार्स, स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स के दीवाने हैं, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास आपके लिए। क्या आपको पता है कि ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लेम्बोर्गिनी, पोर्शी, स्कोडा, डुगाटी, ये सातों कंपनियां जो कि स्पोर्ट्स व्हीकल बनाती हैं, वो अलग अलग कंपनियां नहीं है, बल्कि इन सातों कंपनियों को एक ही कंपनी ओन करती है। इनकी मदर कंपनी एक ही है और उसका नाम है वॉक्सवैगन। जी हाँ गाइज, वॉक्सवैगन के अंडर ये सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियां आती हैं। बाय द वे, इन सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियों में से किसका स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स व्हीकल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।